हम आते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और अभी हम इस टाइम है टर्मिनल 3 पे। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अब गोवा की तरफ। गोवा की अभी फ्लाइट नहीं, हमारी फ्लाइट है सुबह की, हम आ चुके हैं अभी। अब अगर आप लोग पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो आप कैसे करें वो मैं आज आपको बताऊँगी, तो आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग आते हैं तो आपको सबसे पहले अपना सारा सामान ट्रॉली में रख लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद यहाँ बहुत सारे गेट हैं, आप इस गेट से अंदर जाइए। इस गेट में जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास आपकी आईडी और एक टिकट होना चाहिए कि ये वो यहाँ पर चेक होने वाला है। हमारे पास लगेज कम है इसलिए हम बगैर लगेज ट्रॉली के अंदर चलते हैं। चलिए हम आ चुके हैं लाइन में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी लाइन है। अब यहाँ पर हमने अपनी आईडी तैयार रखी है कि अंदर सबसे पहले हमारी आईडी और टिकट चेक होने वाला है। हम आ चुके हैं अब गेट के अंदर, हमने अपनी आईडी चेक करा ली। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपकी सारी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन आ रही होंगी। आप यहाँ पर देखिए कि आपकी फ्लाइट, मतलब आप जिससे भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप जिस भी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं वो कौन सी रो है। यहाँ पे देखिए ATC बहुत सारी रो है। यहाँ पे आप अपनी फ्लाइट्स का जाके दिखाएंगे और लगेज जमा करेंगे। अंदर आके आपको सेल्फ चेक इन करके ऐसे बहुत सारे बोर्ड दिखाई देंगे, वहाँ पर आप जाकर अपनी सीट्स खुद से सेल्फ चेक इन कर सकते हैं। अगर आपको लगेज जमा नहीं करना है तो आपको फिर ये काउंटर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से कर सकते हैं। हमने भी अपनी सीट्स पहले से बुक कर नहीं रखी थी इसलिए हम अंदर आके ही सेल्फ चेक इन कर रहे हैं। सेल्फ चेक इन कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक और अपनी वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए कि आप सेल्फ चेक इन कैसे कर सकते हैं। यहाँ आपका लगेज जमा हो जाता है जो आप अपने संग नहीं ले जा सकते। इसका वेट होना चाहिए 25 किलो, अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सारी वो लाइन लगी है जहाँ पे ये सब लोग अपना लगेज जमा करने जा रहे हैं, जो आपका कैबिन में आपके संग नहीं जा सकता ये लोग हैं, ये लोग जमा कर लेंगे। वहाँ पर आपका लगेज का वेट देखा जाएगा, ऊपर होगा तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। हमें कोई लगेज जमा करना नहीं था इसलिए हमने ये कहते हैं अपना सेल्फ चेक इन करा और अब हम लोग आगे जा रहे हैं। आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कुछ भी समझना है तो ये यहाँ पे आपके बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं, आप किसी भी डेस्क पे जाके हेल्प ले सकते हैं। अब हमारी फ़्लाइट है डोमेस्टिक से तो हम चलते हैं। हम लोग डोमेस्टिक से आगे बढ़े हैं। अगर आपके इंटरनेशनल है तो आपको वहाँ पे जो एरो था वहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपका लिखा है कि आपको क्या सामान ले जा सकते हैं क्या नहीं, आप वो लोग देख लीजिए। सिक्योरिटी चेक हो गया है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा गेट नंबर है, आपकी फ़्लाइट किस गेट नंबर पे आने वाली है। T3 का एक आपको अलग ही व्यू दिखता है क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे शोरूम्स हैं, आप यहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े खरीद सकते हैं, खाने पीने का खरीद सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए वो सामने मैकडी दिख रहा है, बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस हैं। अगर आपको यहाँ थोड़ा टाइम पास करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आप एयरपोर्ट से कुछ भी शॉपिंग करेंगे तो वो कॉस्टली होगा। अगर आप खाने पीने का भी कुछ लेंगे तो वो भी बहुत कॉस्टली होता है। अब हमारे फ्लाइट में भी बहुत सारा टाइम है इसलिए हम जा रहे हैं लॉन्च में थोड़ी देर आराम करने। फिर हमारी फ़्लाइट है सुबह तो हम लोग सुबह अपनी फ़्लाइट में जाएंगे। ये है आपकी वॉकिंग इंसुलेटर। अगर आपका बहुत दूर है आपका गेट तो आप इससे जा सकते हैं, बहुत प्यार से चलते चलते देखिए वॉकिंग इंसुलेटर। चलिए आइए अपने उस पर चलते हैं। T3 में आपके बहुत सारे गेट्स हैं, अराउंड 62 गेट्स हैं, तो मोस्टली आपके गेट्स दूर ही पड़ते हैं। हमारा खुद 37 पड़ा है इसलिए हम लोग वॉकिंग एक्सीलेटर का यूज़ कर रहे हैं, संग संग बाहर का व्यू भी ले रहे हैं हम लोग। अगर आप
लोग अपना गेट नंबर देखना भूल गए हैं किसी भी बोर्ड पे, तो फिर जगह जगह पे बोर्ड हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। या फिर अगर आपने बोर्डिंग पास डेस्क से लिया है तो आपके बोर्डिंग पास में भी आपका गेट नंबर लिखा होगा, आप उसको देख लीजिए। या फिर आप दोबारा से कहीं आसपास आपको बोर्ड दिखे फ्लाइट नंबर वो गेट नंबर का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हम आ चुके हैं अपनी गेट के सामने, ये देखिए सामने बिल्कुल है हमारा गेट। अभी ये खुला नहीं है, इसको खुलने में थोड़ा सा टाइम। आने वाली हैं एयर होस्टेस एंड पायलट्स, ये देखिए आ चुके हैं। अब ये लोग अंदर जाएं, फिर हमारी चेकिंग होगी, वापस बोर्डिंग पास और हमारा गेट खुल जाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए। ये है अंडरग्राउंड रास्ता, एयरबस कनेक्टेड। Yo, we entered Airbus. हम आ चुके हैं फ्लाइट के अंदर, अब हम अपनी सीट्स देखते हैं कहाँ पर है, वो लिखी होती है आपकी बोर्डिंग पास पे। चलिए बॉक्स बने हुए हैं आपके ऊपर, हर किसी की सीट के ऊपर होते हैं। आप यहाँ पर अपना लगेज रख सकते हैं, मीन्स हैंड बैग्स, लैपटॉप बैग और जो भी बैग आपने कैबिन में कैरी करा है वो सब बैग्स आप यहाँ पर रख दीजिए। आप सबके आगे एक वैक्सीन, सेफ्टी बुक प्लस एक आपका एस एम एस बैग होता है बमन का, जिसमें आपको वोमिटिंग करने के लिए दिया जाता है, प्लस आपकी जो है बुक सेफ्टी बैग, इसमें आपके सब कुछ इंस्ट्रक्शन से रखें कि आप क्या क्या करें अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो। थर्ड आपकी एक मैगजीन बुक होती है, उसमें आपका खाने पीने का और ख़रीदने का सब कुछ होता है जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, प्लस अपने टाइम पास के लिए बुक पढ़ सकते हैं। हमारी फ़्लाइट बस उड़ी रही है और अभी तक का फ़्लाइट में एंट्री कैसे लें उसके लिए इतना ही था। अब आप लोग जब वहाँ पे लैंड करेंगे तो आपको फ़्लाइट में ही बता देंगे कि आपका ने जो लगेज जमा करा है वो आपका कहाँ पर आएगा, कौन से गेट या कौन सी बेल्ट में मिलेगा, आप वहाँ से अपना लगेज लीजिए और आप लोग जहाँ जा रहे हैं घूमने वहाँ जाइए घूमने। और बस दैट्स फॉर आपका फ़्लाइट में आप पहले यात्रा कैसे करें आपके बारे में यही बताना था। उसके अलावा बाहर का देखिए, दिल्ली का बहुत सुंदर व्यू आता है नाइट टाइम पे, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो, होप सो मैंने आपको अच्छे से बताया हो कि आपको कहाँ का क्या क्या करना है। अगर आपको इसके अलावा कुछ पूछना है तो यू कैन कॉमेंट मी, आई विल गिव योर आंसर। और भी कुछ जाना हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको और क्या पूछना है। थैंक यू गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।